कि पूरे बिहार भर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां तो खास करके सुरक्षित नहीं है। और गाय घाट की जो घटना है जिसका आदेश हाई कोर्ट ने दिया है उसकी जांच हो। बच्ची ये बात बोल रही है, 19 साल की है मात्र। अभिलम वंदना गुप्ता को सजा दे, उसको बर्खास्त करके उसको सजा दे। महिला होने के बावजूद उसने उस लड़कियों के साथ यौन शोषण में उनको संलिप्त किया है। राजधानी पटना के गायघाट स्थित रिमांड होम का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। मामले में दिल्ली से चर्चित निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा भी पिछले दिनों पटना पहुंची थी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि इस पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को है, लेकिन फिर भी वो मंत्रियों से लेकर के तमाम प्रशासन के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक बेटी पटना की सड़कों पर उतरकर न्याय की भीख मांग रही है, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा है। अब आपको बता दें कि इस मामले में आए दिन महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है। आज पटना के कारगिल चौक पर कुछ संगठन की महिलाएं पहुंची थी, जहां उन्होंने नीतीश कुमार का पुतला फूंककर लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सरकार लड़कियों के प्रति संवेदनहीन हो चुकी है। उनका कहना है कि बिहार सरकार को जल्द से जल्द इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए और लड़कियों को न्याय दिलवाना चाहिए। सवाल है कि हमारी सरकारें हो, केंद्र की हो कि राज्य की हो, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन आज सच्चाई ये है कि पूरे बिहार भर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां तो खास करके सुरक्षित नहीं है। आज वो सड़क पर निकलती है सकुशल घर लौटेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और ये जो गायघाट पे जो बालिका गृह की जो घटना हुई है और उसमें जो बच्ची ने बयान दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम तमाम समाज के लोगों को, हम समाज के लोग नीतीश कुमार को धिक्कारते हैं और कहते हैं, कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के तत्वाधान में इसकी पूरी जांच हो, जो हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है इसका पूरा का पूरा पालन हो और लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी हो। पूरे बिहार में कॉलेज में स्कूल में सड़कों पर कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए ये सरकार को ये स्टेप उठाना चाहिए। और खास करके गायघाट वाली जो घटना है इसकी जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से कराए और अभिलम्ब वंदना गुप्ता को सजा दे, उसको बर्खास्त करके उसको सजा दे, क्योंकि एक महिला होने के नाते, एक महिला होने के बावजूद उसने उस लड़कियों के साथ यौन शोषण में उनको संलिप्त किया है। और ऐसी घटनाएं पूरे बिहार भर में हो रही है। इसके पहले मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड हुआ था और आज ये गायघाट, और 2-3 दिन पहले एक बच्ची बहादुरपुर में 5वें मंजिल से फेंक दी गई, दो बच्चियां, एक की मौत हो गई, एक का इलाज चल रहा है और उसमें भी जो दोषी है उसको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है जो मानसिक रूप से विकसित। ये सारी बातें साबित करता है कि बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल पूरे सीधे सीधे सरकार पर उठ रहा है और सरकार जब इस पे दोषी पाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कहा जा रहा है, लड़की का बयान है कि वहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी मंत्री इस यौन शोषण में संलिप्त है, तो इसलिए ये सीधे सीधे प्रश्न और सीधे सीधे सरकार पर उठ रही है। इसीलिए समाज कल्याण विभाग भी इसको बचाने का प्रयास कर रहा है, छिपाने का प्रयास कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हम होने नहीं देंगे। ह्यूमन राइट्स होने के नाते हम चाह रहे हैं कि इसको लेकर लगातार आंदोलन हो, हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये पुलिस की न्यायिक जांच। वंदना गुप्ता भी एक महिला है, उनके आरोप लग रहा है बावजूद समाज कल्याण आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उधर देख लीजिए, आज महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, लगातार धक्का मार के रिकॉर्ड हो रही है। हम लोग मांग करते हैं कि ये गायघाट की जो घटना है जिसका आदेश हाई कोर्ट ने दिया है उसकी जांच हो, न्यायिक जांच हो और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, जो संलिप्त हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो गुप्ता है, वंदना गुप्ता, उसको इमीडिएटली बर्खास्त करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो एक खुद महिला है
और बच्चियों की देखरेख के लिए उसको रखा गया है और वो उन लोगों को इस यौन शोषण में शामिल कर रही है। इस यौन शोषण के लिए वो सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। इसलिए हम मांग करते हैं कि वंदना गुप्ता को इमीडिएटली बर्खास्त करें, उसकी न्यायिक जांच हो और जो दोषी है उसे सजा दी जाए। ये जो समाज कल्याण विभाग है ये भी इन लोगों की मैंने इसको मैंने जो बचाने की कोशिश हो रही है इसको इमीडिएटली, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के तत्वाधान में इसकी जांच हो, क्योंकि समाज कल्याण विभाग भी तो मैंने इन लोगों को बचाने में चूंकि उसमें उनकी भी संलिप्तता तब साबित होगी और इसीलिए वे लोग इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है, क्योंकि बिहार में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, महिलाओं पर बच्चियों के साथ तरह तरह का अन्याय, अत्याचार, पाशविक अत्याचार, ये सारी घटनाएं हो रही है। जो बच्ची ये बात बोल रही है वो 19 साल की है मात्र, और वो बच्ची उस लड़की के साथ जो घटना घटी है और वो इतने मैंने जोश के साथ और इतने सजग ढंग से ये बात को बोल रही है और साहस के साथ बोल रही है, ये उसको मतलब ये साबित करता है कि ये घटना जरूर से जरूर ऐसी घटना हुई है और ऐसी घटनाएं पूरे बिहार भर में हो रही है। साधना मिश्रा, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से। सरकार से कि आखिर ऐसा जो है महिलाओं के साथ इसी तरह से खबरों से।